बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मेहराज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 19 से 22 के पार्ट टू के स्टूडेंट एडमिशन और परीक्षा फॉर्म दोनों बाकी है। परीक्षा फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करवाया जाए या ऑनलाइन फिलअप करवाया जाए इस पर अभी डिसीजन नहीं आया है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म फिलअप हुआ तो फरवरी में ही होगा। कौन एजेंसी फॉर्म को फिलअप करेगी, UMIS या कोई और, या ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाएगा इसके ऊपर डिसीजन अभी यूनिवर्सिटी नहीं दी है। दो दिन तीन दिन कह रही है। लेकिन बात एडमिशन का भी है। देखिए एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आता नहीं है। आपको कॉलेज में जाकर के पता करना होता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एडमिशन फी जो होती है सभी कॉलेज के अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए जो NAAC का मूल्यांकन होता है और NAAC की जो टीम कॉलेज को जो ग्रेड देती है, ग्रेड ए या बी या सी है, ए प्लस भी होता है, ए प्लस प्लस ग्रेड भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज के जो फी होते हैं वो तय होते हैं। अब बिहार यूनिवर्सिटी का एलएस कॉलेज देख लीजिए। एलएस कॉलेज ने कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है एलएस कॉलेज का, उन्होंने 22 तारीख को एक नोटिस जारी किया 19 से 22 के पार्ट टू के छात्र छात्राओं के लिए। यहाँ पर कहा गया कि वैसे छात्र छात्राएं जो 19 से 22 के है उनका पार्ट वन जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर क्लियर है रिजल्ट या प्रमोटेड है या यूनिवर्सिटी लेवल पर उसका जो पार्ट वन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, वैसे छात्र छात्राएं आकर के पार्ट टू में एडमिशन ले ले। जो एलएस कॉलेज से छात्र फेल होंगे वो पार्ट टू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फेल वाले आपको फिर से पार्ट वन ऑल पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए आपका जो एडमिशन होगा पार्ट टू में नहीं हो पाएगा, एक साल आपको बैक होना पड़ेगा। ये कॉमर्स विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई। एलएस कॉलेज के यदि आप छात्र छात्राएं हैं तो चाहे आप आर्ट्स फैकल्टी से हो या कॉमर्स से या साइंस फैकल्टी से, इसमें जो तारीख है 24 तारीख से 29 तारीख के बीच में एडमिशन लेना है। इस बीच में जा करके आप अपने विभाग से पता कर ले। कॉमर्स वालों के लिए नोटिस तो खैर आई गई है, साइंस और आर्ट्स वाले जा करके आप पता कर ले, नहीं तो हमें पता चलती है या नोटिस वगैरह आती है तो हम आपको बताएंगे। आप देख पा रहे इसमें कहा गया है कि पार्ट टू में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये आप देख पा रहे हैं पार्ट वन का एडमिट कार्ड, वहीं पार्ट वन का जो मार्कशीट, ऑनलाइन रिजल्ट आया है उसका जीरोक्स, आधार कार्ड का एक छाया प्रति। उसके बाद से कहा जा रहा है कि यदि आप एससी एसटी या ईबीसी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और जो आपको पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसका जीरोक्स आपको जो है वो लगाना पड़ेगा और 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो आप ले जाएंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि आप देख पा रहे हैं रोल नंबर 1 से लेकर 76 तक जिनका है वो 24/1/2022 को उनका एडमिशन होगा। वहीं 77 से 152 तक है उनका एडमिशन 25 तारीख को होगा, जिसका 153 से 228 है उनका 27 तारीख को होगा। और इस तरीके से आप देख पा रहे 28 तारीख को भी यहाँ पर दिया गया है। और ऑल एक्स स्टूडेंट उनका एडमिशन जो होगा वह 29 जनवरी को लिया जाएगा। इसमें प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं, पेंडिंग वाले छात्र छात्राएं आएंगे। और यहाँ पर जो फी रखा गया है एलएस कॉलेज के कॉमर्स डिपार्टमेंट में 4,000 रुपये रखे हैं एडमिशन फी। ये सिर्फ एडमिशन फी है, जनरल वालों के लिए 4,000 है, वहीं एससी एसटी ईबीसी या गर्ल्स उसके लिए 3,850। मतलब कि गर्ल्स यदि जनरल कैटेगरी से है फिर भी वो गर्ल्स है तो उनको अब देख पा रहे 150 रुपया जो उनको छूट है। अब ये कॉमर्स का हो गया एलएस कॉलेज का। अब बात आती है कि आपका यदि दूसरा कॉलेज है तो फिर आपका एडमिशन कब होगा, तो या तो अपने कॉलेज से पता कीजिए नहीं तो हमारे पास नोटिस पहुंचेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। एडमिशन परीक्षा फॉर्म फिलअप के समय भी होता है। अब इसमें जो है इसमें एडमिशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पेमेंट कहा गया कि फोन पे या गूगल पे से ही पेमेंट स्वीकार किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार किया जाएगा। तो जो आप पेमेंट करते हैं गूगल पे या फोन पे से, जो ट्रांजेक्शन आई डी मतलब कि जो स्क्रीन शॉट होता है पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीन शॉट आप लेकर के उसका जो है जीरोक्स आपको इस सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लगा देनी है। एडमिशन ऑफलाइन होगा एलएस कॉलेज में, ठीक। तो ये एलएस कॉलेज की तरफ से जारी की गई थी नोटिस। बाकी और किसी कॉलेज से आती है तो हम आपको बताते रहेंगे या आप अपने कॉलेज से भी इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।